आज हम और आप सीक्वेंस और सीरीज पर चर्चा करेंगे। सीक्वेंस सीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर का मतलब होता है एक जैसा अंतर, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन टॉपिक है। सबसे पहले हम अर्थमेटिकल सीक्वेंस को लिखना सिखाते हैं। आप देखिएगा इस सीक्वेंस में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा एक जैसा, जिसके कारण आप अगला टर्म लिखने के लिए तैयार हैं। जैसे वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, तो आपको मालूम है अगला टर्म नाइन ही होगा, क्योंकि लिए डिफरेंस यहाँ पर टू का आ रहा है और एक जैसा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर सेवन के बाद आपको पता चल गया नाइन आ रहा है। वो क्यों पता चला? क्योंकि डिफरेंस टू है इसलिए। अब एक बात समझ में आ रही है कि जब सीक्वेंस में डिफरेंस सेम हो तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिकल सीक्वेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा सीक्वेंस, मैंने सीरीज नहीं बोला है, यही थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जब यहाँ कॉमा लगाओ तो ये सीक्वेंस है, जब यहाँ साइन यूज हो प्लस 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 या जो भी साइन यूज हो तो उस समय सीरीज होता है, ये अर्थमेटिकल सीक्वेंस है। वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस डेट डेट इस, ये अर्थमेटिकल सीरीज है। तो ये सीक्वेंस सीरीज में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात समझ में आ गई कि अर्थमेटिकल सीक्वेंस में क्या होगा कि डिफरेंस सेम होगा। अच्छा, ये डिफरेंस हर जगह सेम भी है, आप ध्यान दे दो। जब डिफरेंस हर जगह सेम है तो इसी डिफरेंस को हम स्मॉल लेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डी का मतलब हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर, और इसे एक बोलते हैं फर्स्ट टर्म, स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। अब एक बात समझ में आ गई आपको कि अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस का मतलब ए पी का अगर फर्स्ट टर्म पता हो, सपोज दैट ए वैल्यू टू है और डी की वैल्यू थ्री है, तो अब आपको समझ में आ गया कि डिफरेंस यहाँ पर थ्री है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे सीक्वेंस के लिए? टू लिखेंगे, उसमें आप डिफरेंस ऐड कर देंगे फाइव, फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे एट, डिफरेंस ऐड कर देंगे एलेवन मिल जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान से देखें तो आपने पूरा सीक्वेंस लिख दिया। आप देखिए डिफरेंस यहाँ पर कितना है? थ्री। फाइव माइनस टू थ्री, एट माइनस फाइव थ्री, एलेवन माइनस एट थ्री। तो इस तरीके से आप पूरा सीक्वेंस लिख देंगे। अब ये तो बात थी कि अर्थमेटिकल सीक्वेंस की पहचान, और अगर आपको फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता हो तो राइट द सीक्वेंस, करेक्ट। अब लेकिन बात करते हैं जैसे ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म की डिस्कशन करें तो फिफ्थ टर्म भी आप बता देंगे भाई आठ तीन ग्यारह, ग्यारह तीन फोर्टीन, एलेवन प्लस थ्री फोर्टीन हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलते हैं कि फिफ्टींथ टर्म बताइए, मतलब पंद्रहवां पद बताइए, तब उस समय उस केस में उस स्थिति में आप फिफ्टींथ टर्म निकालने के लिए क्या इस सीक्वेंस को फिफ्टीन टर्म लिखेंगे इंडिविजुअल अलग अलग, मतलब एलेवन के बाद फोर्टीन फिर सेवनटीन, इस तरीके से आप लिख कर क्या फिफ्टीन टर्म बताएंगे? नहीं। तो इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, तो फार्मूला मैं डायरेक्ट ना लिख के उसका डेरिवेशन समझाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी है किसी भी फार्मूले का। अब मैं फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बताया कि सीक्वेंस को लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, राइट। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट बी अ फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज, लेट बी अ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज स्मॉल ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी। आप बताइए किसी भी सीक्वेंस का अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो अगर आपको सीक्वेंस लिखना हो तो आप क्या करेंगे?
फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पर ए है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डी है। तो चलिए देखते हैं सीक्वेंस क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ए, ए के बाद आप लिखेंगे ए प्लस डी, केवल आपको बताया गया पहले आप ए लिखेंगे और डिफरेंस को ऐड करेंगे, फिर आपने डी ऐड किया तो आपका ये आ गया ए प्लस टू डी, फिर आपने डी ऐड किया तो आपका आ गया ए प्लस थ्री डी, और इस तरीके से आप यहाँ पर डी ऐड करते जाएंगे। तो ये आपका अर्थमेटिकल सीक्वेंस है, बहुत ध्यान समझिएगा। आपने इसमें पहले क्या लिखा यहाँ पर ए, फिर उसमें आपने यहाँ पर डी ऐड किया, फिर आपने डी ऐड किया, फिर आपने डी ऐड किया, तो ये आपका ए पी है। डिफरेंस यहाँ पर कितना है डी, डिफरेंस कितना है डी। अब आपसे पूछें ए को आप क्या कहेंगे, तो आप ए को कहेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से बात करें फर्स्ट टर्म की तो आपने लिखा फर्स्ट टर्म ए, बात करें यहाँ पर सेकेंड टर्म की तो सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो आपने लिखा ए प्लस वन डी, बात करते हैं थर्ड टर्म की तो आपने बोला ए प्लस टू डी, बात करते हैं फोर्थ टर्म की तो आपने बोला ए प्लस थ्री डी, इसी तरीके से बात करते हैं फिफ्थ टर्म की तो आपने बोला ए प्लस फोर डी। अब आप महसूस कर रहे हैं कि अगर यहाँ फाइव है तो यहाँ फोर है, फोर है तो थ्री है, थ्री है तो टू है, टू है तो वन है, मतलब यहाँ क्लियर है कि एक कम है, मतलब यहाँ 50 होगा तो यह 49 होगा, यहाँ पर 100 तो यह 99 होगा, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n माइनस वन होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास ये nth टर्म आ गया, मतलब जनरलाइज फार्मूला क्लियर हो गया, मतलब nth टर्म ऑफ एन ए पी अगर हम कहें आपसे तो nth टर्म ऑफ एन ए पी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अब इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 3, 5, 7 का दसवां पद निकालें, मतलब टेंथ टर्म आप इसका फाइंड आउट करें। मैंने कहा 3, 5, 7 का दसवां पद बताइए, टेंथ टर्म इवेलुएट ऑफ एन ए पी, करेक्ट। अब कैसे निकालेंगे इसको, तो ए की वैल्यू दिखाई दे रही है 3 है, डिफरेंस आपको पता है t2 - t1, मतलब दूसरे वाले से पहले वाले को माइनस कर देंगे, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है आप तीसरे वाले से दूसरे वाले को भी माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, और अगर आ रही है तो आप जानते हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके लिंक को अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, जो आपके दोस्त अच्छे हों दुश्मनों तक भी पहुँचा सकते हैं। ए प्लस 9d कैसे भाई, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 - 1 9 हो गया, एक कम हो गया, ठीक है ना। अब एक जगह क्या रख दिया 3, 9 और डी के प्लेस में 2 रख दिया, अब यहाँ पर 9 × 2 = 18 हो जाएगा, और इस तरीके से आपका टेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 21। तो अब आप मुझे लगता है सीख गए होंगे किसी भी ए पी का कोई पर्टिकुलर टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई होगी आपको। अब इसके आगे डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर दें। अब बेटा मैं अगर आपसे बोलूं कि एक एपी है इन एन एपी, इन एन एपी एमएथ टर्म इज 1/n एंड एनएथ टर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनएथ टर्म इज 1/m, और आपसे कहा जाए इवेलुएट इवेलुएट इट्स एमएनएथ टर्म, इवेलुएट इट्स
mnth टर्म। अब आपको यहाँ पर mth टर्म पता है, nth टर्म पता है और आपसे mnth टर्म पूछा है, मतलब mnवां पद हिंदी में, तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला mth टर्म, mth टर्म का मतलब हो गया tm और वो आपको गिवन है 1 अपॉन n। इसके बाद आपको पता है tn, वो आपको पता है 1 अपॉन m अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा है गिवन है आपका mn और mth टर्म और nth टर्म और आपसे पूछा है mnth टर्म, मतलब आपसे पूछा है tmn, ये क्वेश्चन मार्क है, इवेल्युएट करना है। किसी किसी बुक में लिखा होगा प्रूव दैट mnth टर्म इज जो भी रहा होगा रिजल्ट, राइट। अच्छा ये बताइए, आपको मैंने tn का फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर mnth टर्म क्या होगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एनी डाउट। यहाँ पर mn है तो यहाँ भी क्या है, mn है। अब बात करते हैं कि a और d कैसे आएगा। भाई अगर आपको a और d पता हो तो आप यहाँ पर रख देंगे। अब a और d यहाँ पर टू अननोन्स हैं, टू अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टू इक्वेशंस होनी चाहिए और उस टू इक्वेशन के लिए आपके पास टू कंडीशन होनी चाहिए, जिसमें आपकी पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। इन दोनों कंडीशन से हम दो इक्वेशन बनाएंगे और हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है टी एम इज्क्वल टू वन बाई एन, तो टी एम का मतलब हो गया ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एम एंड गिवन 1 बाई एन, दिस इज इक्वेशन 1। इसके बाद जब बात करते हैं टी एन की, तो टी एन इज्क्वल टू 1 बाई एम है, टी एन की जगह आप रख देंगे यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड इट्स वैल्यू इज 1 अपॉन एम, दिस इज इक्वेशन 2, करेक्ट। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर सॉल्व करना, वही क्लास 10th स्टैंडर्ड का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 10th के CBSE बोर्ड में भी चैप्टर है और अब UP बोर्ड में भी आ चुका है, तो ये 10th के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एम माइनस 1, ये यहाँ पर डी कॉमन आ जाएगा माइनस एन प्लस 1 डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम। यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या बचेगा, एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर LCM क्या आएगा, एम माइनस एन अपॉन एम एन, एम माइनस एन कैंसिल आ जाएगा। यहाँ पर डी इज्क्वल टू 1 अपॉन एम एन, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम एन। अब इस डी की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकेंड किसी एक में रख देंगे, द वैल्यू ऑफ डी पुट इन आइदर 1 आर 2 एंड वी गेट वैल्यू ऑफ ए। तो अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मैं यहाँ किनारे रफ कर दे रहा हूँ और इतने में ही मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, बहुत आराम समझिएगा, मेरी पूरी बात समझ में आएगी वीडियो में, मैं एक एक स्टेप ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूँ। ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज्क्वल टू 1 बाई एन, ये आपकी इक्वेशन बनती है, करेक्ट। अब यहाँ पर आपने क्या किया, डी की वैल्यू रख दी 1 अपॉन एम एन और यहाँ से ए निकालना है, तो ए प्लस अब यहाँ पर 1 अपॉन एम एन का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एम एम कट जाएगा, 1 अपॉन एन बचेगा,
1 अपॉन एम एन का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 अपॉन एम एन आ जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एन लिखा हुआ है, कि 1 अपॉन एन से 1 अपॉन एन कैंसिल हो गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी, माइनस 1 अपॉन एम एन जब इधर आएगा तो प्लस 1 अपॉन एम एन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई। आप देख रहे हैं ए की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन एम एन है और डी की वैल्यू भी 1 अपॉन एम एन है। अब ए और डी की वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, आप इसमें रखेंगे क्योंकि आपको एम एनथ टर्म चाहिए था। अब देखते हैं एम एनथ टर्म निकालने के लिए, यहाँ पर हम इस ए और डी दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, करेक्ट। तो जब हम ए और डी की वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो क्या मिलेगा, आपने ए के प्लेस में 1 अपॉन एम एन रखा, यहाँ पर एम एन माइनस 1 मौजूद है और डी के प्लेस में आपने 1 अपॉन एम एन रखा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एम एन एल सी एम, एम एन से एम एन कैंसिल 1 प्लस एम एन से एम एन कैंसिल एम एन माइनस 1, 1 कैंसिल एम एन अपॉन एम एन इज 1, तो योर आंसर इज 1। तो एपी का ये क्वेश्चन था, पेपर में आता भी है, इम्पॉर्टेंट है, पेपर में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो पाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कॉन्सेप्ट आपका लगभग क्लियर हो जाए, पूरा प्रयास रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में कराने का भी प्रयास करूँगा। जैसे एक बहुत एक अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन है, इफ एम टाइम्स, इफ एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, इवेल्युएट एम प्लस एनथ टर्म। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका इफ एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म ऑफ एन ई पी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म, इवेलुएट एम प्लस एनथ टर्म। कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कहा गया है क्वेश्चन में m टाइम्स ऑफ mth टर्म, m टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई में, ऑफ व्हाट mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। अब आपको इवेल्युएट करना है, ये आपका एम है, मैं लिख दे रहा हूं बगल में, आपको इवेल्युएट करना है टी एम प्लस एन, मतलब आपको टी एम प्लस एन का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अगर यहाँ पर एन होगा तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है, और यहाँ पर अगर एम प्लस एन है तो यहाँ पर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी हो गया। भाई आप समझे ना, कोई पूछा आपसे टी एन का फार्मूला क्या होता, तो आप कहते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर यहाँ n है तो यहाँ n है, वैसे यहाँ पर m प्लस एन है तो यहाँ पर m प्लस एन हो गया। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा था, आपको ये इवेल्यूएट करना था, और ये वैल्यू होती है आपके t m प्लस एन की। तो या तो आप a और d निकाल लें, या आप डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू एक साथ निकाल लें, करेक्ट। तो आपके पास इसके लिए कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है एम टाइम्स ऑफ एमथ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ एनथ टर्म। करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। m टाइम्स ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tm, यू नो वेरी वेल, a प्लस
m minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. MA plus m minus 1 into d. मैं बहुत आराम से एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ. अगर आपको लगे कोई कैलकुलेशन जल्दी से आप कर सकते हैं तो आप दो बार आप प्रेस करेंगे तो 10 सेकंड वीडियो आगे बढ़ जाता है. हालांकि आप सब जानते हैं स्मार्ट बच्चे हैं, कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते खाना भी खा रहे होंगे, कुछ वीडियो देखते देखते सो भी रहे होंगे. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जाग गया तो ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, राइट? ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे पढ़ रहे हैं, और फर्क भी पड़ता है YouTube से पढ़ने का और क्लास में पढ़ने का. क्लास में पढ़ने का एक अपना एक अलग मज़ा है. मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ माध्यम पढ़ाई का, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर मानता हूँ. दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप सब, मैं इधर ले आया, यहाँ पर A कॉमन आ गया, यहाँ से D कॉमन आ गया. बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी. अब इसमें ध्यान से देखें तो ये आपका m माइनस n प्लस m माइनस n के बगल में a भी लिखा हुआ है. ये आपका m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू d इक्वल टू जीरो. अब यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में फैक्टर हो जाएगा. ये आपका एम माइनस एन इंटू ए लिखा हुआ है, मौजूद है. प्लस मैं बोल भी देता हूँ ताकि कोई फॉन्ट कट रहे हो वीडियो में तो सुनाई दे रहे हैं आपको. इन दोनों में हम एक साथ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एम माइनस एन एम प्लस एन, करेक्ट. और उसके बाद ऐसा करते हैं, ये लाइन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा. ये क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, इसको रफ कर दे रहे हैं. आप देख रहे होंगे मैं बहुत आराम आराम से एक एक बात आप लोगों को समझा रहा हूँ. तो यहाँ से देखिए आपका m माइनस एन ए प्लस, इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, करना ही क्या, एक लाइन और ज़्यादा आपके लिए मैं लिखने के लिए तैयार हूँ. जब आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ. बहुत प्यारे बच्चे हैं. मेरा प्रयास था लाइव आने का, लेकिन नहीं बन पा रहा है सिस्टम अभी, लेकिन फ़िलहाल इससे भी काम चलेगा आप लोगों का. लेकिन एक काम और करना होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन, तीनों से क्या आ गया कॉमन. तो यहाँ से एम माइनस एन जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर देखिए क्या मिलेगा, ए प्लस एम माइनस एन कॉमन आ गया, एम प्लस एन माइनस वन, करेक्ट. अब एम माइनस एन कॉमन आ गया यहाँ से, एम प्लस एन माइनस वन, और ये बाहर क्या चल रहा है, डी. तो एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी है, एम माइनस एन यहाँ भी है, तीनों से कॉमन आ गया. अब जानते हैं आइधर ये जीरो होगा और ये जीरो होगा. टू क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता. क्यों? एम माइनस एन जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर किसी एपी में अगर दो टर्म जीरो हो जाए, सॉरी एम माइनस एन जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर एम माइनस एन जीरो होगा तो एम बराबर एन हो जाएगा. और किसी सीक्वेंस में दो टर्म कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं एपी में, क्योंकि एपी या तो बढ़ती हुई होगी या तो घटती हुई होगी. भाई तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ, राइट? या उल्टी भी आप पढ़ सकते हैं, एपी नौ सात पाँच
तीन एक राइट। लेकिन क्या कोई दो टर्म इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर m n के बराबर नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर m माइनस n की बात करें तो m माइनस n यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, मतलब m यहाँ पर n नहीं हो सकता। करेक्ट, जब m बराबर n नहीं हो सकता तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। करेक्ट, जब इसको आप जीरो करेंगे तो a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी को आप जीरो रखेंगे। भाई आपको मालूम है कि टू क्वांटिटीज़ का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो अगर a जीरो नहीं तो फिर b को जीरो होना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही इसको जीरो रखा तो आप देखिए, यही तो आपका प्रूवमेंट था। a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी को ही तो हम टी एम प्लस n कहते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो आपका ये टी एम प्लस n ही तो लिखा है जीरो। अरे वाह, तो ये समझ में आया कि अगर किसी ए पी का m टाइम्स ऑफ mth टर्म इक्वल हो जाए n टाइम्स ऑफ nth टर्म के तो उसका m प्लस nth टर्म शून्य होता है, जीरो होता है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और अक्सर ये बच्चे लगाते भी हैं इसको। हर एक राइटर ने इसको, हर एक बुक्स में मिल जाएगा आपको। मैंने एक्सप्लेन किया एक क्वेश्चन का कैसे एग्जाम में यूटिलाइज होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि एपी की बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म अगर n टाइम्स ऑफ nth टर्म के इक्वल हो, मैंने बोला अगर मतलब इफ, तो आपने बोला देन। क्या बोला देन में? देन m प्लस nth टर्म क्या होगा? इसका शून्य। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। अभी मैंने कराया, इसका प्रूविंग कराया। इसी के भी आप में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइव टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू टेन टाइम्स ऑफ टेंथ टर्म ऑफ एन ए पी, फाइंड आउट इट्स फिफ्टींथ टर्म। ए पी की बात कर रहे हैं, इन ए पी फाइव टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू टेन टाइम्स ऑफ टेंथ टर्म। नेचुरल सी बात है कि देखिए इसको और इसको, फाइव टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म एंड टाइम्स ऑफ टेन टाइम्स ऑफ टेंथ टर्म। टी एम प्लस एन मतलब फाइव प्लस टेन, फिफ्टीन मिल गया, तो इसका फिफ्टीन टर्म क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? फाइव टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म टेन टाइम्स ऑफ टेंथ टर्म, तो यहाँ m की जगह 5 है, n की जगह 10 है, तो t 15 क्या हो गया? जीरो। तो यानी कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो भी किसी न किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले का काम कर जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मूले काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कंपटीशन में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो मेरा समझ में आया होगा अर्थमेटिकल सीक्वेंस का। इसमें मैंने केवल सीक्वेंस ही पढ़ाया है, इसमें अर्थमेटिकल सीरीज नहीं पढ़ाई, मतलब कॉमा लगा के यूज़ किया है। मतलब अभी हमने आपको यहाँ पर nth टर्म निकालना सिखाया है, nth टर्म के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लगवाए। अभी बेटा इसमें आप देखिएगा ध्यान से आगे, तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा लास्ट टर्म फ्रॉम nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जैसे आप तीसरा टर्म निकालते हैं बिगिनिंग से, तो तीसरा टर्म फ्रॉम लास्ट सिखाएंगे, चौथा टर्म फ्रॉम लास्ट, पाँचवा टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से, अंत से पांचवा टर्म, अंत से दूसरा टर्म, अंत से पहला टर्म, अंत से दसवां टर्म। उसके बाद इसमें एक मैजिक है एपी का कि द सम ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लास्ट इज कांस्टेंट। अभी मैं ओरली बोल रहा हूँ, जब प्रॉब्लम कराऊँ तो आपको अच्छा लगेगा, वो कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये। उसके बाद इसका सीरीज का क्वेश्चन कराना है, फिर एपी, फिर जीपी, एसपी, एक लॉन्ग प्रोसीजर है। कम से कम मुझे लगता है इसके कम से कम कुछ नहीं तो 20 वीडियो, और हर एक वीडियो आधे घंटे का होगा। हाँ, एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को अगर समझ में आया हो, इस वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके, प्रमोट करके, और जितना हो सके
उतना इसको प्रमोट करें, शेयर करें, लिंक कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को जो 10th में है, 11th में, 12th में, उनको दीजिए। इससे उनका भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा, राइट। थैंक यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।